सुजालपुर के मोहल्ला शेखा में पीने के पानी को लेकर मोहल्ला वासी और नगर कौंसिल आमने सामने हो गए। मोहल्ला वासियों ने बताया कि ज्यादातर मौकों पर मोहल्ले के बीचों बीच बने कुएं से लोग पानी भरते हैं, लेकिन साफ सफाई ना होने से कुएं के आसपास झाड़ियां और गंदगी भरी पड़ी है, जिसे लेकर लोगों ने नाराजगी जताई और नगर कौंसिल से कुएं की जगह पर साफ सफाई करवाने की मांग की है। मेरा नाम द्वारका सिंह है। मेरी समस्या साड़ी यह हुई है कि जोड़ा महल्ले खूह है, यदि चंकी तरह साफ सफाई की जाए। अं ईओ न भी दो तीन चिट्ठिया दे चुके हैं, एस डी एम को भी चिट्ठी कटा चुके हैं, लेकिन ईओ अगे कोई वो नहीं लै रहा। कोई जे कल कोई बीमार हो जाता कमेटी जिम्मेवार होगी, क्योंकि बीमारियों तो डर लगता, बच्चे बीमार हो रहे हैं। खूह जरा कि अंडर आता है जल्दी जल्दी सफाई हो कमेटी आए, कमेटी के बंदे आने सफाई की जाए, नहीं तो कल जिम्मेवारी कमेटी की होगी। कुमार मोहल्ला शेखा सुजानपुर वार्ड नंबर 5। सर परेशानी तुम देख ही रहे हो भी ना जंगल बूट खूह इन्नी बीमारी चले गई, बच्चिया बच्चे बीमार है। अभी कमेटी घर काफ़ी भरी गए हैं, ये सफाई तो होंगी नहीं, तुम खुद ही देखो मीडिया जो टीवी खबर दे देखो बूटा बूटे किन्ने किन्ने उगे है, सफाई तो हो नहीं देंगे, बच्चे इन्ने बीमार है। कल कोई मर मुर गया कौन जिम्मेवार है, कमेटी है जिम्मेवार? किन्नी देर तो सफाई नहीं, यह सफाई कम से कम 10-15 साल तो सफाई हो ही नहीं है बिल्कुल। एक बार कराए अं खुद पैसे कट्ठे कर गए भी पानी गंदा कढ़ाया बार, उस तो बाद नहीं कमेटी ने किया कुछ भी। था बस सू टाल देंगे, बंदे आ रहे बंदे आते 2 मिनट हो गए चले जाते हैं, बस सारी कुछ नहीं चाहते, सफाई चाहते बस, साढ़े बच्चे बीमार हो रहे काफ़ी। साढ़े लागे खूह है तो बहुत ज़्यादा गंदगी पई हुई है, इन बीमारियां फैलिया हुई हैं कि इतों आप चाहते हैं कि इतों की साफ सफाई चंगी तरह की जाए, खूह की रिपेयर की जाए, तो जी इतने बीमारी फैलन से रोकथाम की जाए, ना इतने सारा महला पानी पीता है, वो सफाई होनी चाहिए है। काफ़ी देर हो गई है, हाँ जी काफ़ी बारी गए हैं, सुनते नहीं है, जो इतने साफ सफाई नहीं होगी तो बीमारियां बहुत ज्यादा फैलिया जाएंगे तो बच्चे बीमार हो गए। कमेटी घर जो कहना आते ने मौत देख के फिर चल जाते कि सफाई की जाए, इतने पानी साफ सुथरा मेरे सारे महल्ले साड़ी यही मंग है। खूह की साफ सफाई बारे कमेटी घर किन्ने बारी एप्लीकेशन दी है, साड़ी सुनी ने, चिकनगुनिया डेंगू वर्गिया बीमारियां फैल रही ने, तो इस सफाई नहीं अं कहने जल्द तो जल्दी कराई जाए। किस चीज़ की सफाई नहीं हो रही है? खूह तो जी गंदगी पी हुई है, अं पानी पीने लिए 100 साल तो पुराना खूह है, पीने लिए सारे 150 घर महल पानी पी रहा है इस टाइम। किन्नी देर हो गई सफाई नहीं होती? काफ़ी देर हो गई है। की मांग करना चाहते हो? अं यही कहने भी जल्द तो जल्दी खूह रिपेयर की जाए, सफाई की जाए, क्योंकि कोई भी बीमारियां किन्नी फैल रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, इस करके जो नहीं सफाई की जाएगी तो कमेटी जिम्मेवार होगी। मैं दलीप कुमार, कितना देना है? मैं सुजानपुर शेखा महल्ला बाग का रहन वाला जी। देखो सर पहली गल है खूह की सफाई, वो जगह हैगी साड़ी, मेरे को रजिस्ट्री हैगा, इंतकाल हैगा, प्रोपर डॉक्यूमेंटेशन हैगी है, कमेटी दे अंडर वो जगह नहीं आती, बट महल्ले वाले कुछ कहते भी कमेटी की जगह हैगी, मैं तो कमेटी नूं एज ऑन डेट भी इन्नी गल कहना कमेटी अपना सबूत लाए मैं जगह छड़ दांगा, मैनू कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो जगह की रजिस्ट्री मेरे को है, जगह मेरी मैं सफाई करा ना करा किसी नूं की तकलीफ आवे। पानी बेशक पीते हैं, लेकिन एक बंदा अगर पानी पिला लिया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना भी वो जगह भी वो ना ही हो जाएगी, ठीक है ना। मैं तो यही चाहता भी जे तो कमेटी की जगह हैगी, कमेटी मैनू अपना प्रूफ दे दे, मैं वो जगह छड़ दाँगा, अदरवाइज कमेटी का जो भी उत्थे समान हैगा मोटर लगी हो अपनी मोटर पुट के लै जाऊँ, क्योंकि आप बहुत परेशान है ऑलरेडी, आप 4 साल पहला भी मेरा केस लगे से, मैं वो केस जीत चुके हैं, हूँ अज की तरीक दे विच केस लगे हुआ है, और पिछले 10 महीने तो कमेटी कोर्ट च जवाब ही नहीं दे रही, मेरे को सारी डॉक्यूमेंटेशन हैगी है, सारा प्रूफ हैगा, मेरे को रजिस्ट्री हैगी है कोर्ट की, हर मंथ वाइज की कॉपी हैगी मेरे को भी कमेटी की करती पी है की नहीं करती पी, ठीक है ना। इस करके 10 महीने तो जो कमेटी जवाब नहीं दे रही तो यदा मतलब कमेटी को कोई प्रूफ नहीं है, जे प्रूफ हैगा
सानू दे दे मैं जगह छड़ दांगा जे कमेटी दे विच आंदी होएगी जगह मैं की करनी पर मेरे कोल उस जगह दी रजिस्ट्री हैगी है इस करके कमेटी जो भी हैगा अपना हिसाब किताब उत्तों चुके अपना समान मोटर कड्ढे बाहर मैनू नहीं पता कमेटी नू महल्ले नू पानी देना कमेटी की सिरदर्दी है मेरी सिरदर्दी नहीं हैगी उन्हें जितों पानी देना दवे 150 घर कह के भाजी उन्होंने मोटर लगाई सी अज 10 घर भी नहीं है जिन्होंने पानी की जरूरत है डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे सवेरे मोटर चलती पानी की वेस्टेज आती है मैं पिछले 10 महीने तो कंप्लेंट पाई दी है वेस्टेज पानी की बट उदा कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कमेटी का जाता है हिंदुस्तान में किसी भी बीमारी का इलाज करवाना बहुत मुश्किल बहुत महंगा गलत आप सलारिया जनसा फाउंडेशन के मेंबर बनो बाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आने वाले 5 साल तक आपका पूरा इलाज फ्री करेगा धन्यवाद।